गोरन भैया एक बार और भागने भाग जा, एक बार और भागने पानी। पाइप बिछे हुए हैं, पानी नहीं, पाइपों में से पानी जल नहीं आता। परंतु पुराने नेता रहे ना सरपंच रहे जो कर्मचारी भगवान अरे
अच्छा हम 2 किलोमीटर दूर जा रहे इसके अलावा हमने शासन से कई बार अपने पंचायत से प्रस्ताव दिए हैं, जिला संलेखों से राज्य सरकार तक अपने जो पंचायत स्तर से कार्यवाही करते हैं तो पूर्ण कर चुके हैं। अभी हमने जो क्या है निर्मल नीर का कुआं खुदवाया है, इसको 38 फुट गहरा करवा दिया। शासन से इसमें 64,000 रुपये अभी तक मिले, इसमें लागत कम से कम 3,65,70,000 रुपये लगा चुका मैं। नरेगा के पैसा में बहुत विलम्ब हो रहा है, नहीं तो अभी तक बंधवा दे दूँ मैं। दूसरी चीज़, हमने एक इस्टीमेट, हमारे गांव में बहुत पुरानी बावड़ी है चोपरा, उसका इस्टीमेट बनाया, शासन ने जिला पंचायत से ने उसको स्वीकृति नहीं दी, ना उसको भी गहरा करवाते। के बाद बोर समझो आप वैसे तो 8 हो चुके, 2 हम मैंने स्वयं करवा दिए 600 फुट गहरे, परंतु जल स्तर 600 फुट के नीचे है, उसके ऊपर पानी नहीं फंसा। लकड़ियों को बनवाए हैं बाहर की सुगंधा जगह उस पर तला यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब इसका ये है कि इस गांव में मतलब कोई अधिकारी ऑफिसर मतलब इसकी इंक्वायरी करने को नहीं आता है। यहाँ पानी की व्यवस्था तो नदी में थोड़ा सा पानी है, उसी से गांव वाले सब घाटी चढ़ के ले आते हैं पानी को। अच्छा। करीब 2.5 किलोमीटर दूर। अच्छा। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, कभी पंचायत के गांव मतलब गांव में कोई कभी काम ही नहीं हुआ है। समस्या है कि पानी नहीं आता है, ना लाइट ही आए,
ना कोई व्यवस्था नहीं। मैं यहाँ 2-2.5 किलोमीटर दूर जाते हैं नदी के पानी में भी है थोड़ा सा। बहुत समस्या है भाई साहब, बहुत ही समस्या जाने सुन चुका है समस्या। नल तो लगे हैं आज लगे हैं जो मेरे आता ही नहीं है पानी, खुला ही नहीं रहा है। यहाँ देखने आते हैं कोई राज्य मंत्री यहाँ आता है, इस गाँव को कौन आएगा? अब आप लोग भी इसको वीडियो बना रहे हो, मेरे को तो आशा यह है कि आप लोग मेरी मदद करोगे। अब जब हमारे यहाँ बच्चों की शादी नहीं होगी तो इस गांव का क्या हाल होगा? 10 साल से करीब यहाँ शादी नहीं हो रही गांव में। आप हकीकत बता रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल में जाइए, स्कूल में बच्चों की संख्या, जब शादी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होंगे? वहाँ स्कूल में भी कमी आ गई है। तो शिक्षक लोग कहते हैं कि भाई नाम लिखाओ, किसका नाम लिखा दें हम? यहाँ 30-30, 35-35 वर्ष के लड़के हो गए, उनकी शादी नहीं, बदनाम ये कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं है। तो ये बोलिए हमारा घर जमीन ये छोड़ के हम कहाँ जाएं? या तो फिर हमें शासन पानी की व्यवस्था करके दे, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी का मुआवजा दे दे, मैं किसी और गांव को पलायन कर जाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे जल समस्या है, मेरे यहाँ 7 ग्रुप ड्रिंक वाटर स्कीम से, मतलब पंचम नगर से 4 विधानसभाओं को पानी जा रहा है, बंडा है, बड़ा मलेरा है, हटा है और पथरिया है, मतलब चारों इतनी क्राइसिस वाले वो हैं। फिर वहाँ पर हम बांसुजारा देखते हैं बड़ा मलेरा में, उसको कुहारा से 180 गाँव में है, यहाँ केसली है, यहाँ तेंदुखेड़ा है। मुझे लगता है और जहाँ पर बांध नहीं है लोग आश्वस्त हैं कि बांध बनेगा और उससे पानी जाएगा। सच है इतनी बड़ी क्राइसिस है कि जमीन के भीतर पानी है नहीं, तो आपको कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मैंने हरदुआ मानगढ़ में एक कोशिश की थी जहाँ पर पानी के स्रोत नहीं है। ये सच है कि पानी के स्रोत जहाँ पर नहीं है, आप वैकल्पिक रास्ता या तो टैंकर का बना सकते हैं या पाइपलाइन से कहीं से पानी लिफ्ट करके पहुँचाएंगे, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। आप विकल्प बताइए कि जमीन में पानी नहीं है तो कहाँ से पानी आएगा? या तो तालाब बनाना पड़ेगा या बांध बनाना पड़ेगा या लिफ्ट करके आप पानी पहुँचाएंगे, वो भी परिस्थिति वहाँ पर नहीं है। मोदी के संकल्प पर विश्वास कीजिए, 2022 के पहले हर घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुँचेगा, उसमें वो गांव भी शामिल है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। जय कुआ से गंदो पानी पी रहा है सर, हमारे जो गंदे पानी में नहा रहा पी रहा है, तबियत खराब हो रही है, कोई समस्या नहीं सुन रहा है यहाँ, सबको बता रहा है और ले जा रहा फोटो खींच खींच, मानो कोई सुनाई नहीं हो रही सरपंच से बात, मानो बेचारा पैसा ही नहीं कर रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, इसी कुएं से पी रहा है। कब से समस्या है आपके गांव में पानी? हमारे गांव में तो बहुत दिन से समस्या है सर, पानी नालों वालों जाते हैं, यहाँ एक हैंड पंप है, कम से कम 5 साल से सूखा पड़ा, नेता यहाँ आते ही नहीं है, सिर्फ चुनाव में कोई बाधा कर जाते हैं, बाकी फिर बाद में नहीं आते। देखिए केवल ये हरदुआ पांजी की समस्या नहीं है, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्या है। गर्मी में वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है। हरदुआ पांजी का हमने परीक्षण कराया है, वहाँ पर एक पुरानी बावड़ी से लोग पानी ले रहे हैं, बावड़ी काफी रिस्क में है, तो अभी फिलहाल में ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया है कि बावड़ी तक जाकर के एक सिंगल फेस मोटर डालें, और साथ ही पीएचई विभाग को अवगत कराया है जो वहाँ पर हैंडपंप है, यदि वहाँ सिंगल फेस मोटर डल सकती है तो उसका कार्य किया जाएगा, और यदि वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है और सिंगल फेस मोटर से भी काम नहीं चलेगा तो फिर ग्राम पंचायत के द्वारा टैंकर से पानी की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। देखिए अभी फिलहाल में पानी की समस्या है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर जो लोग पाइपलाइन कर रहे हैं उनसे उस संबंध में चर्चा करी जाएगी, कहीं पानी के अलावा उनके साथ और कोई समस्या तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ समझ में आता है कि हमारे स्तर पर वो समस्याओं का निदान किया जा सकता है तो निश्चित रूप से पलायन रोका जाएगा उनका। देखिए 2-3 चीज़ें उसमें हो सकती हैं, या हो सकता है कि मेजर इशू पानी का हो तो पानी का हम रिजॉल्व करेंगे वहाँ पर इशू, दूसरा ये हो सकता है कि गर्मी का समय हो सकता है उनके पास काम ना हो, या जो हम काम उपलब्ध करा रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त ना हो, उतनी मजदूरी पर्याप्त ना हो, तो वैकल्पिक अन्य जो साधन है उनसे हम पलायन रोकने का प्रयास करेंगे वहाँ पर। हमने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, कार्यवाही हम आज से ही इसमें प्रारंभ कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 1-2 सप्ताह के अंदर इसमें इसको कंट्रोल में कर लेंगे इस स्थिति को। पानी की समस्या हो रही थी तो अपन नियमित रूप से 5-6 टैंकर प्रतिदिन एक्स्ट्रा भेज रहे थे, बाकी के हमारे एक दिन के अंदर से 10-10, 12-12 पॉइंट 3 बार वहाँ जा ही रहे हैं। अन्य वार्डों में जहाँ जैसे पानी की समस्या आती है तो